सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज अल खल्क खालक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गो, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी उमर दुआखाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको बिच्छू रेगमा इस्लाम के ज़ियारत तिले के बारे में बताऊंगा। अक्सर लोग बार बार पूछते हैं लगाने का तरीका, इसके फ़ायदे बार बार पूछते हैं, तो इसलिए इसकी एक और वीडियो मैंने तफसील के साथ आपको हर चीज़ बताऊँगा। इसके साथ कैप्सूल हैं 20 दिन के और दो शीशियाँ तिले की हैं इसके साथ। ये दोनों शीशियों में एक ही किस्म का तिला होता है, ठीक हो गया। लगाने से पहले अच्छी तरह इसको हलाना है। और इसका काम क्या है, जो कैप्सूल है ये रोगों को अंदर से गर्म करते हैं, ठीक हो गया। और ये जो तिला है बिच्छू रेगमा इस्लाम के जहर वाला, इसको अच्छी तरह हला के आप यूज करेंगे तो अज़ू तनासल की रगों को गर्मैश पहुंचेगी ऊपर से, और अज़ू तनासल जो सुकड़ के अंदर चला गया आपका। और या आप औरत के करीब जाते हैं तो शावत नहीं आती, जब आपका दिल करता है तो शावत नहीं आती, वैसे सोए पड़े हो, वैसे कोई नींद में हो तो शावत आ जाती है, जब दिल खुद का कर रहा है कि मैं हम भी से करूं, शावत नहीं आ रही, रगे अंदर से ब्लॉक हो गई, खुश्क हो गई, उनके लिए है ये। कैप्सूल का क्या काम है, रगों को अंदर से गर्म करेगा, जो सुकड़ गई रगे हैं उनको ठीक करेगा। और ये ऊपर से जब आप मालिश इसकी करेंगे, सुकड़ी हुई रगे हैं, अंदर से ब्लॉकेज है, अज़ू तनासल की लंबाई मोटाई छोटी हो गई है, वो सुकड़ा हुआ अज़ू तनासल वो बाहर आ जाएगा और अपनी असली हालत में बाहर आ जाएगा। और जो अल्लाह ने बना दिया उससे बड़ा नहीं होना। ये हकीम अक्सर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं कि 9 इंच का हो जाएगा, 10 इंच का, ऐसे ये बात गलत है। देखो ना, ये उंगली अल्लाह ने बनाई है, इसकी ये ग्रोथ पूरी होगी, अब इस पर सोना भी लगा देंगे ना तो ये बड़ी नहीं होगी, ठीक हो गया। ये हकीमों के धोखे हैं। अज़ू तनासल की जो ग्रोथ होनी थी वो हो गई, हाँ जो सुकड़ के अंदर चला गया आपका, बिल्कुल छोटा सा हो गया और अज़ू तनासल की रगे खत्म हो गई। और जब आपका दिल करता है हम बिस्तरी करने को तो शहवत ही नहीं आती और अज़ू तनासल में हरकत नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत ही हरकत आती है तो ढीला ढीला सा रहता है और इंटर करने से पहले ही फारग हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये मामला तो आपके तिले के साथ खत्म हो जाएंगे, इससे सख्ती पूरी रही, क्योंकि रोगों में खून की गर्दिश रहेगी, खून की जो ब्लॉकेज है वो आपकी खुल जाएगी इनके साथ, और अज़ू तनासल में गर्दिश रहेगी तो टाइटनेस भी रहेगी, ढीलापन खत्म हो जाएगा और पूरी टाइटनेस आएगी, पूरी सख्ती आएगी। और जब सख्ती पूरी आएगी तो फिर टूटेगी भी नहीं सख्ती, रगें जब बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, थोड़ी बहुत ही शावत आई भी, या किसी ने गोली खा ली या किसी ने कोई ऐसी चीज खा के थोड़ी बहुत ही शावत आई भी तो फौरन टूट गई। और फिर क्या होता है, अज़ू तनासल में दर्द भी आना शुरू हो जाता है कईयों के, हम बिस्तरी के जिनकी ब्लॉकेज होती है, रोगों की ब्लॉकेज होती है, हम बिस्तरी के बाद क्या होता है कि अंदर दर्द भी आना शुरू हो जाता है, अज़ू तनासल 2-3 दिन दुखता रहता है, समझ गई। और बड़ी जो रग है वो उसमें पेशाब की नाली में भी सोजश आ जाती है और पेशाब की जो नाली है उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। और वैसे ऊपर वाली रगें फूल जाती हैं उनमें भी दर्द आना शुरू, ये भी इनसे ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर बता रहा हूं कि इसका इस्तेमाल, अब हाँ इस्तेमाल का तरीका क्या है कि आगे वाले हिस्सा आपने हशफा, आगे वाले हिस्सा आपने छोड़ देना है, ऊपर जड़ में कतरा का हला के अच्छी तरह, जड़ में कैप्सूल रोजाना एक टाइम सुबह ले लेना, शाम को ले, एक टाइम आपने रख लेना कैप्सूल का लेना है, और अच्छी तरह नीचे को मालिश करनी, ऐसे ऐसे मालिश नहीं करनी, ऐसे ऐसे नहीं मालिश करनी, ऐसे मालिश करके हाथ उठा लेना, फिर ऐसे मालिश करके हाथ उठा लेना, नीचे को ऊपर से नीचे की तरफ मालिश करनी है आपने, और साइडों पे भी ऐसे ही नीचे की तरफ ऐसे, ये देख ऐसे ऐसे नहीं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ऐसे कईयों को तरीका ही गलत आता है, फिर कहते हैं फायदा नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे मालिश नहीं करनी है आपने, ऐसे अच्छी तरह नीचे को मालिश करके हाथ उठा लिया, फिर नीचे को मालिश कर हाथ, फिर नीचे को ऐसे आपने नीचे को लेकर जाना ताकि रगों की गर्दिश शुरू हो जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों,
इसके ये फायदे थे। और ये कैप्सूलों के फायदे में हमने आपको बता दिए कि अगर अज़ू तनासिक की रगों को गर्म करेगा अंदर से ताकि ब्लॉकेज वो खुल जाए और ऊपर वाला हिस्सा जो ब्रोनिस है वो तेल के साथ ठीक हो जाएगा और आपका अज़ू तनासिक असली नशोनुमा में आ जाएगा। और अगर बंदा अंदरूनी तौर इसकी 15,000 रुपए कीमत है, 10% डिस्काउंट है इसके साथ, ये 13,500 रुपए का मिल जाएगा। इसी तरह अक्सर मर्द हाथ सी कर करके मुश्त जनी कर करके अपने आप को इतना कमजोर कर लिया कि औरत के काबिल ही नहीं है। अंदरूनी तौर पर मनी खुश्क हो गई, मनी खत्म हो गई, और अगर मनी निकलती भी है 2-4 कतरे निकलते हैं, इतना कमजोर कर लिया हाथ रसी कर करके मुश्त जनी कर करके, या बड़ी उम्र है, उम्र ज्यादा है तो शुगर की वजह से कमजोरी आ गई, खातर खा खुराक ना मिलने की वजह से कमजोरी आ गई। ऐसे मरीजों के लिए हमारा 50 दिन वाला कोर्स है। छोटी उम्र है तो हाथ रसी ज्यादा कर ली है उनके लिए 50 दिन वाला कोर्स है, बड़ी उम्र है कमजोरी आ गई है तो उनके लिए भी 50 दिन वाला कोर्स है। इससे औलाद, जिनके घर में औलाद नहीं है उससे औलाद भी हो जाएगी। टेंशन, बोझलपन, थकावट, सुबह शाम के कैप्सूल है, मजून है, और इसके साथ मजून आजम और मजून शबाब और गिफ्ट है हमारे, वो फिर आपके काफी देर चलेंगे, आपकी अंदरूनी सेहत को मुकम्मल बहाल कर जाएंगे, मुकम्मल स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे। और ये 30,000 रुपए की दवाई है, 10% डिस्काउंट है, 27,000 रुपए की मिलेगी। इसी तरह अगर आप ज्यादा कमजोर नहीं है तो 60 दिन वाला कोर्स है 18,000 रुपए का 2 तिलों के साथ, और उससे भी ज्यादा कमजोर नहीं है आप, फिर 40 दिन का मजूर एक माई वाला कोर्स है 11,000 रुपए का। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बाया बदी खट्टी चीजें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती है, हड्डी का रोगन पेशाब के रास्ते आना शुरू हो जाता, थकी थकी फील करती है, बुझी बुझी फील करती है, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, ऐसी मेरी बेटी मेरी बहनों के लिए मजूने निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल है। और जितना भी पुराना लकोरिया 2 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, 2 महीने की पैकिंग होती है 7,000 रुपए की। और अगर उम्र भी ज्यादा है और उसकी लकोरिया भी पुराना हो गया है तो उसके लिए डबल कैप्सूल के साथ 15,000 रुपए की पैकिंग है। और जिनके घर में औलाद नहीं हो रही, 2-3 साल हो गए शादी को, 4 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हो रही, मर्द 50 दिन वाला कोर्स करे और तो मजूने निसार ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, दोनों इकट्ठे खाएं, इंशाल्लाह दवाई के दौरान उनके घर में खुशी आ जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो तो मंगवा सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप पर मुबारा कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टीसीएस के जरिए, लैपटॉप के जरिए, पोस्ट ऑफिस के लिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। कब्ज की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा और जिसम में दर्द और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री है, फीस भी लाए, कोई बहन भाई मंगवाना चाहे तो वो भी मंगवा सकता है। यूट्यूब पर हाफज हकीम उमर फरूक TV लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े सुख भी भेजा है, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं, मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्लाह के अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है, नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया इसका जबान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान वो है इसका जबान का बोल अच्छा है, मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपनी बीवी के साथ है, हेलो यार माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, दुनिया आखिर के बेड़े पार हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, अल्लाह जल्ला शानहू मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।